तो फाइनली पहुंच चुका हूं कार्स, जस्ट अभी रेलवे स्टेशन पे आके गाड़ी रुकी है। Assalamualaikum and well good morning from cars. और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं केसरी से दो एक्सप्रेस पकड़ के कार्स आया था, जो कि 20 से 25 घंटे का मेरा ट्रैवल था। और रात को ही अराउंड यहाँ पे पहुँचा हूँ 10 बजे के करीब। होटल कोई बुक नहीं था, मैंने पिछली वीडियो वहीं पे स्टेशन पे ही कार्स स्टेशन पे एंड कर दी थी। अगर तो आप वो वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप पिछली वीडियोज़ में जाकर वो देख सकते हैं, इसके बिल्कुल पीछे वाली वीडियो होगी। तो स्टेशन से अराउंड 10 मिनट की वॉक करते हुए यहाँ पे बिल्कुल साथ है क्योंकि मेन स्ट्रीट थी, वहाँ पे आया हूँ। वहाँ पे मुझे ये वाला होटल मिला था, 2-3 होटल चेक किए, ये बेहतर लगा। 200 लीरा में कोई अराउंड बनते हैं 3000 पाकिस्तानी। मुझे होटल विद ब्रेकफास्ट, हीटेड रूम, चूँकि यहाँ पे सर्दी है, माइनस, अभी रात में तो माइनस में टेम्परेचर था, अभी दिन थोड़ा सा अभी बेहतर हुआ है, लेकिन आज रात से प्रेडिक्शन है स्नोफॉल की और बारिशों की और स्नोफॉल की। तो देखता हूँ कि मैं तब तक रुक सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे आगे भी निकलना है। कार्स जो है वो बेसिकली आर्मेनिया और जॉर्जिया बॉर्डर के साथ एक सबसे बड़ा टर्की का लास्ट सिटी है, जो कि आप इस्तांबुल से फ़्लाइट लेकर या फिर अनकरा से ट्रेन लेकर भी आ सकते हैं। ट्रेन इनकी काफ़ी ये वाली फेमस है, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है ये वाली, और वो लेकर भी आ सकते हैं। रास्ते में बहुत सारे सिटीज़ आप इंजॉय कर सकते हैं। अभी कुछ ब्रेकफास्ट हो गया और कुछ प्लान इस तरह से है कि निकलता हूँ, सिटी एक्सप्लोर करता हूँ। इनका कासल है, कासल आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, और सिटी एक्सप्लोर करके, म्यूज़ियम एक्सप्लोर करके फिर प्लान ये है कि अगर टाइम बचा तो आर्मेनियन बॉर्डर की साइड पे निकलूँगा, अगर तो वहाँ के लिए कोई बस वगैरह मिल जाती है, अदरवाइज तो यहीं पर ही रहूँगा। और कल का फिर इस तरह से होगा कि कल यहाँ से निकल के फिर ट्राबज़ोन या किसी और सिटी में निकलूँगा। कोई प्लान नहीं है, रैंडम प्लान पे चल रहा हूँ, जहाँ पे जो बेहतर लग रहा होता है वहाँ पे कर लेता हूँ, टाइम बहुत है अपने पास। चलो अभी आपको ज़रा सिटी टूर करवा देता हूँ और यहाँ का कार्स का वो करवा देता हूँ। एक और ख़ास बात कार्स की ये है कि ये टर्की का सबसे कोल्डेस्ट सिटी है। आप यहाँ पर आएँगे तो आपको विंटर वाली काफ़ी सारी वाइब्स नज़र आ जाएंगी, और प्लस इसमें थोड़ा सा रशियन, क्योंकि ये आर्मेनियन बॉर्डर के साथ होने में थोड़ा सा रशियन टच भी है इस सिटी में, तो आपको एक डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करूँगा, आगे चलते हैं, सिटी एक्सप्लोर करते हैं। ले जी, चलता चलता पहुंच गया हूँ कार्स कैसल पे, और ये सामने कार्स लिखा हुआ है, वो ऊपर वाला जो है वो कार्स है। ये कैसल मुझे जो है ना, उनमें जो मैंने अभी तक बाकी देखे थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, कोई डिफरेंट स्टोन का बना हुआ है और डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता ये ऑटोमन्स का बना हुआ होगा, ये बना होगा ग्रीक्स का या फिर बाइजेंटाइन्स का, और फिर बाद में जो है ना वो इसको कैप्चर कर लिया होगा ऑटोमन्स ने। तो आपको यहाँ पे भी इवन देखने से भी पता चल जाएगा इसका थोड़ा सा ब्लैक सा स्ट्रक्चर है, और इसी के साथ ये नीचे इनकी जामी मस्जिद है, और ये भी कोई कासल का ही कोई पार्ट है। ये तो अब अंदर जाऊँगा तो पता चलेगा, ये ऊपर रास्ता जा रहा है, 1000 मीटर तो होगा भाई ऊपर जाने वाला। तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटो शोटो कर लूँ, टूरिस्ट बन जाऊं, फिर उसके बाद आगे ऊपर जाता हूं।
ये है, थोड़ा सा ऊपर आया हूँ अभी भी, स्टिल कासल जो है ना वो ऊपर ही है। ये स्नो हुई हुई है इस साइड पे, मेल्ट नहीं हुई। ये जा रही है नीचे कार्स, जा रहा है कार्स रिवर। ये ओल्ड टाउन टाइप की जगह लग रही है, पुरानी इमारतें हैं यहाँ पे, और रिवर के इस तरफ आपको नज़र आ जाएंगी थोड़ी सी न्यू टाइप की बिल्डिंग्स। और ये एक मेन रोड है बीच में, और बीच में कुछ मस्जिदें, एक दो तीन चार पाँच छः 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 मस्जिदें नज़र आई हैं मुझे यहाँ पे। वो पिछले एंड पे जो पहाड़ आपको इस जगह पे नज़र आ रहा है, इसके साथ थोड़े से जाना वो बड़ी बिल्डिंग है, लाइक अपार्टमेंट टाइप्स चीज़ें जो हैं वो है। तो स्टिल मूविंग टूवर्ड्स कासल, देखता हूँ कितने दिनों में पहुँचता हूँ ऊपर। चलें जी, मूविंग बैक टूवर्ड्स 2021 से 2021 की तरफ मूव करने के लिए आपको जस्ट फ्यू स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो आप 2021 में आ जाएंगे। चलें जी, ये अभी ये जो आपको मैंने बाहर से कैफ़े दिखाया, ये उस कैफ़े में आया हूँ, घर की जिस तरह का कैफ़े लग रहा था। ये यहाँ पे मैग्नेट लगे हुए हैं, ये वाली वो ट्रेन है जो हम लेकर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, डो एक्सप्रेसी कार्स। और ये वाला मैग्नेट है जो मैंने अभी आपको म्यूज़ियम दिखाया, और ये वाला किले का कार्स गलेसी का मैग्नेट, और इस तरफ भी कुछ मैग्नेट्स लगे हुए हैं। और बड़ा खूबसूरत इन्होंने, व्हाट्स योर नेम? आई हान। माय नेम इज़ ज़ाहिद, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। एंड ये इनका बैठने का कोई हिसाब किताब है, ये फैमिली रन बिजनेस लग रहा है मुझे, पीछे इनका घर है। तो अभी देखते हैं कि मेन्यू में क्या है, फिर उसके बाद आपको ट्राई करवाएंगे कि यहाँ पर खाने का क्या है। तमाम चले जी, ये थोड़ा सा कॉफ़ी शॉफ़ी पी लिए, और ज़बरदस्त किस्म का कैफ़े था, आपको बाहर से दिखा दिया मैंने। और इनसे मैंने ये भी पूछ लिया है कि जो वो आर्मेनियन साइड पे कैसल है, जो हाफ़ आर्मेनिया में है और हाफ पाकिस्तान कह रहा हूँ टर्की में है, उसके लिए सुबह 10 बजे बस जाती है वहाँ तक, और फिर 2 बजे वहाँ से आती है। तो मैं शायद जो है ना कल वो करूँगा। अभी जा रहा हूँ सिटी सेंटर में, जहाँ पे ओल्ड रशियन टाइम्स की जो है ना वो बिल्डिंग्स हैं, ज़रा उसको एक्सप्लोर करता हूँ। अले जी, ये चलता चलता जो है ना वो 1.6 किलोमीटर वॉक किया है, अगेन वहाँ से जो सुवेनियर शॉप थी, और चलता चलता मैं आ गया हूँ शहर मरकज़ी, मतलब सिटी सेंटर में। चूँकि देखना मुझे था यहाँ पे ओल्ड रशियन टाइम्स की बिल्डिंग है, और फातिह जामे मस्जिद है वो देखनी थी, और ये एक सेंटर सिटी में एक पार्क है तो वो देखना था। तो वो देख के तो फिर वापस होटल की तरफ निकलूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे सनसेट जो है वो 4:41 पे है, मतलब 4:41 पे शाम में सनसेट हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी टाइम 4 तो बज गए हुए हैं, तो अभी ये मस्जिद आ गई है सामने, तो देख के तो फिर निकलूँगा। खाने पीने कॉफ़ी पी दी, उसके बाद ये कॉर्न्स ले लिए मैंने, चलते चलते 10 लीरा का कॉर्न मिला।
चलें जी, ये रही मस्जिद, और मस्जिद का आपको कंप्लीट हिस्ट्री भी बता दी, मस्जिद अंदर से भी दिखा दी, और सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है, और मुझे जहाँ तक लगा ठंडी ठंडी हवाएं चल गई हैं, टेम्परेचर काफ़ी गिर गया हुआ है, और जहाँ तक लग रहा है कि रात में जो है ना वो वॉक करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कवर करूँगा जाते जाते होटल तक। तो देखते हैं कब तक बना सकता हूँ, अभी मूव करता हूँ टुवर्ड्स होटल और ज़रा सेंटर सिटी को एक्सप्लोर कर लूँ।